और मैं नंबर 10.1 अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह बिंदु पथ का प्रमेय नंबर 10.1 है। दिए हुए दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु दे रखे हैं, मान लो एक बिंदु है आपके ए और एक बिंदु दे रखा है आपके बी, से समदृष्ट किसी बिंदु का बिंदु पथ, समदृष्ट कोई बिंदु है, समदृष्ट क्या है, कोई बिंदु है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, ये दूरी और ये दूरी क्या है आपके बराबर, या फिर ये बिंदु हो सकता है, ये बिंदु भी हो सकता है, ये सभी बिंदु क्या है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, ये वाला और ये वाला, जैसे मान लो नाम P है, AP बराबर होगा BP, अगर यहाँ Q है तो AQ बराबर क्या होगा BQ, ऐसे ही करते करते अगर यहाँ पर आपके R है तो AR बराबर क्या होगी आपके BR, ये सभी आपके समदूरस्थ है, चाहे इधर भी हो सकता है, S बिंदु हो सकता है यहाँ पर जो इसे क्या है आपके बराबर दूरी पर है, तो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु, ये सारे बिंदु कोई भी बिंदु, किसी बिंदु का है तो बिंदु कोई भी हो सकता है, वो बिंदु P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, T हो सकता है, ये सारे बिंदु A और B से क्या है समान दूरी पर है, और इन बिंदुओं से बना बिंदु पथ, ये है आपके बिंदु पथ, ये बिंदु पथ उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड, A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का क्या है लंब वर्धक है, अर्धक तो ऑलरेडी है क्योंकि ये और ये बिंदु है ना, ये वाला बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पर, अर्धक तो है, अब हमें बनाना है लंब भी बनाना है, यहाँ पर 90° कोण है, ये सिद्ध करना है कि यहाँ पर 90° का कोण होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक त्रिभुज, पहले लेंगे दो बिंदु, एक है ए और एक है आपके बी, वैसे हमें सवाल में पहले तो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ए व बी दो बिंदु दे रखे हैं, और बाकी क्या है आपके बिंदु पद दे रखा है, मतलब आपके बिंदु पद है, बिंदु पद का नाम दे दिया मैंने यहां पर, इसे नाम दे दिया यहां पर पी क्यू दे दिया, यहां पर मैंने लिखा है पी और ये लिखा हुआ है क्यू, ये है इसका बिंदु पद, ये क्या है इसका बिंदु पद, सीधा सीधा बनाना यहां पर, इस पर बना हर एक बिंदु, जैसे ये बिंदु है, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी और ये दूरी क्या है आपके बराबर है, ये बिंदु है बिंदु पर पी क्यू है, इसमें आपके क्या है पी भी दोनों से बराबर दूरी पर है और ये भी बिंदु पर, ये सब बिंदु पर ही है, इन पर आने वाले सभी पॉइंट दोनों से क्या है इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो ये और ये भी क्या होगा आपके बराबर होगा, तो इसमें हो जाएगा आपके AP बराबर होगा BP और AQ बराबर होगा आपके BQ, क्योंकि ये बिंदु पथ है और बिंदु पथ में वही है इस पर स्थित सभी बिंदु इन A और B से समान दूरी पर होंगे, और हमें करना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है AP लंब है BQ पर, तो क्या लिखना है आपको ये PQ AB का क्या दे रखा है आपके लंब अर्धक, अर्धक तो ऑलरेडी है क्योंकि ये दोनों बराबर यहाँ लिखा हुआ है, अब हमें नपटी कोण ही बनाना है, एक त्रिभुज लेंगे ये वाला, एक त्रिभुज लेंगे ये वाला, त्रिभुज ए पी क्यू व त्रिभुज बी पी क्यू से हमें तीन चीजें बराबर करनी, दो तो सामने दे रखी है, ए पी बराबर है बी पी, क्यों है क्योंकि सवाल में दे रखा है बिंदु पथ है, पी क्यू क्या है बिंदु पथ, पी क्यू बिंदु पथ है, बिंदु पथ हमेशा क्या रहता है एक समान दूरी पर चलता रहता है, इस पर स्थित सभी बिंदु इस ए बी से क्या है बराबर दूरी पर है, वैसे ही ए क्यू बराबर क्या है आपके बी क्यू, सेम पी क्यू बिंदु पथ है और बिंदु पथ हमेशा दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर रहता है, अब एक और बताना है, यह है पी क्यू, पी क्यू बराबर पी क्यू, ये हो गया है आपके उभयनिष्ठ हो गया, इस पर स्थित हर एक बिंदु इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो ये और ये दूरी बराबर है, ये दूरी भी बराबर रहेगी और ये भुजा ऐसे दोनों हमारी कॉमन, तो नियम लगा एस 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 द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए पी बी ए पी क्यू सर्वांशम है त्रिभुज बी पी क्यू के, अगर सर्वांशम है
तो इनके ये दोनों कोण क्या होंगे आपके बराबर, कोण एक बराबर होगा कोण दो, कारण हो जाएगा बाई सी पी सी टी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब अगर किसी त्रिभुज के तीन भाग बराबर हैं तो बाकी के तीन भाग भी क्या होंगे आपके, उनके संगत भाग बराबर होते हैं बाकी वाले भी। और यहाँ लिखा ना नीचे आगे कोण एक और कोण दो का जो जोड़ है वो होता है आपके 180। क्यों होता है? रेखिक कोण युग्म, रेखिक कोण युग्म जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पेयर, रेखिक कोण सीधी रेखा है 180 वाली, या सरल कोण भी कह सकते हैं हम। अब दोनों बराबर भी है और दोनों सम कितना हो रहा है 180 हो रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर है, तो यहाँ भी लिखो कोण एक, यहाँ भी लिखो कोण एक बराबर 180। ये हो गया दो बार कोण एक बराबर 180 गुणा है दो भाग में, तो कोण एक का मान आएगा 180 बटा दो बराबर आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों बराबर तो थे ही और 90 डिग्री कोण भी है, तो लिख सकते हैं अतः ये सिद्ध होता है कि पी क्यू ए बी का क्या है, लंब अर्धक है, ए बी का लंब अर्धक है। तो जब भी सवाल के अंदर दिया हुआ आया कि इन दोनों से संतुष्ट है, इसका मतलब ये वाली भुजा इसको लंब अर्धक कर रही है, 90 डिग्री कोण भी बना रही है, भुजा को दो भागों में भी बांट रही है। अब है आपके 10.1 का विलोम, दो दिए गए बिंदु, जैसे एक ये आपके ए है और एक आपके क्या दे रखा है बी दे रखा है, इसको मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये मिला दिया का लंब संधिभाजक, यहाँ रेख संधिभाजक दे रखा है गलत छपा हुआ, यहाँ लिखना है लंब संधिभाजक, मतलब यहाँ है इसका लंब संधिभाजक, ये है पी और ये दे रखा है क्यू। लंब संधिभाजक पर स्थित बिंदु, इस पर जो बिंदु है कुछ भी बिंदु दे रखा है आपकी, जैसे मान लो यहाँ पी है, फिर यहाँ पर आपके क्यू हो सकता है, ये आपके आर हो सकता है, फिर ये एस हो सकता है, ऐसे क्यू आ चुका है तो यहाँ पर आपके टी हो सकता है, ये सारे बिंदु इन सबसे क्या होंगे बराबर दूरी पर होंगे, इन सबसे क्या होगा आपके बराबर दूरी पर होगा, ये बताना, ये सभी क्या होने चाहिए बराबर, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला आपके इसके बराबर। तो क्या करना है, पहले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ए पी क्यू, वह त्रिभुज जाएगा आपके बी पी क्यू से, ये और ये बराबर लिखा हुआ लंब संधिभाजक, इसका मतलब क्या है आपके ए क्यू बराबर क्या है आपके बी क्यू, ये है आपके लंब संधिभाजक। जो भुजा कितने भागों में बांटता है, दो भागों में, फिर ये वाला कोण एक बराबर क्या है आपके कोण दो, ये है आपके 90 डिग्री। तीसरा ये जैसे मान लो मैं त्रिभुज ले रहा हूँ बड़ा वाला, तो पी क्यू भुजा आएगी, तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू, ये हो जाएगा आपके कॉमन भुजा। इसका मतलब क्या हुआ कि एस ए एस द्वारा कह सकते हैं ट्रायंगल ए पी क्यू सर्वांगसम है त्रिभुज बी पी क्यू के, अगर दोनों सर्वांगसम है संगत भाग क्या होंगे बराबर, बी पी बराबर क्या हो जाएगा बी पी, तो ए पी और बी पी दोनों क्या होंगे आपके बराबर, क्या होगा बाई सी पी सी टी, इसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं बराबर, अगर इसे तीन पार्ट बराबर बाकी के तीन भाग भी क्या होंगे बराबर, इसका मतलब क्या है पी क्या है पी ए और बी से बराबर दूरी पर है, ए व बी से क्या है ये समदूरस्थ है, समदूरस्थ है तथा ये लंब संधिभाजक रेखा पर आया हुआ है, और ये पी जो बिंदु है आपके पी लंब संधिभाजक, लंब संधिभाजक पर स्थित है, संधिभाजक पर स्थित है। ऐसे ही हम त्रिभुज लेंगे ये वाला ए टी क्यू और बी टी क्यू, तो टी क्या होगा लंब संधिभाजक पर होगा, ऐसे ही आर भी होगा, ऐसे एस भी होगा, क्या लिखोगे यहाँ पर, इसी प्रकार ये टी आर एस सभी लंब संधिभाजक पर स्थित होंगे,
सभी लंब समद्विबाहु होंगे, तो लिख सकते हैं जो भी बिंदु है और समद्विबाहु है, और ये सभी क्या है, अतः सभी ए व बी से समान दूरी पर होंगे, समान दूरी पर होंगे। ये लिखा हुआ देखो, दिए गए बिंदु समद्विबाहु होंगे सभी। देखो इसी पर बिंदु है, ये कहने का ना संधि बाधक पर स्थित बिंदु, तो मैंने सबको बता दिया ये सारे बिंदु कहाँ पर स्थित है, लंब संधि बाधक पर ही है, और ये सारे ए और बी से क्या होंगे, समान दूरी पर, क्योंकि अभी ए पी और बी पी बराबर है, इसका मतलब ए बी से ये बिंदु बराबर स्थिति पर है। ऐसे ही टी और ए टी और बी टी बराबर है, इसका मतलब दोनों बिंदु इससे समान दूरी पर है, और ये आपके परपेंडिकुलर मतलब ये लंब संधि बाधक पर स्थित भी है और ए और बी से बराबर दूरी पर भी है। अब आपके परमाय नंबर 10.2, दो प्रतिच्छेद रेखाएं, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, ऐसे काटने में क्या बनता है, कोण बनता है, ये वाला केवल ये वाला कोण, इसको हम यहां ले लेते हैं। जैसे मान लो ये था आपके ए बी सी और ये हो गया डी और ये हो गया ओ, तो मैंने ले लिया है यहाँ पर ए ले लिया है, ओ ले लिया है और सी ले लिया है, ये वाली मैंने यहाँ पर कोण ले लिया ए ओ सी, उन रेखाओं से बना कोण, ये रहा बना कोण है आपकी। बस अब इसने क्या कहा, समद्विबाहु बिंदुओं का बिंदुपथ, इनका बिंदुपथ क्या है, रेखाओं का बिंदुपथ क्या है, उन रेखाओं से बने कोण का संधिभाजक है, इसका संधिभाजक है, इसका संधिभाजक करने पर यह क्या आता है, बिंदुपथ आता है, ये बताना। अब इन दोनों रेखाओं समद्विबाहु, इससे भी समद्विबाहु और इससे भी समद्विबाहु, समद्विबाहु मैंने अभी पहले कहा था दूरी हमेशा होती है 90 डिग्री में, तो पहले भी मैंने जो पहले बनाया था वीडियो उसमें आप देख लेना, मैंने बताया था दूरी हमेशा क्या होती है, सीधी 90 डिग्री के अंदर होती है। हमें सिद्ध करना है कि इन दो रेखाएं जो आपस में काट रही है, इनका बिंदुपथ इस भुजा के समद्विबाहु पर है, मतलब हमें इस कोण का क्या क्या हो रहा है, संधिवाद हो रहा है, ये सिद्ध करना है। तो मान लो कि ये है आपके ए बी सी डी, आ गए यहाँ पर आप ई मान लो, यहाँ पर एफ मान लो, यहाँ पर जी मान लो, या पी क्यू आर मान लो, सबसे अच्छा है ये हो गया पी, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों भुजाओं का जो बिंदुपथ है ये क्या है, इसका बिंदुपथ है, यहाँ आपके हर जगह बिंदु ही बिंदु है और सारे बिंदु इससे क्या है, बराबर दूरी पर है, ये सारे बिंदुपथ है, जो ये बिंदुपथ कहाँ से निकला, इस कोण के संधिभाजन पर निकला। हमें सिद्ध करना है कि यहाँ कोण का संधिभाजन हुआ है, बताना है, सिद्ध करना है कि दोनों कोण क्या है आपके, बराबर है, ये और ये कोण बराबर, ये करना है आपको, सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हम, एक त्रिभुज लेंगे हम, ये वाला पी ओ आर, पी ओ आर व त्रिभुज लेंगे ये वाला क्यू ओ आर, तीन चीजें बराबर करेंगे। नंबर एक ओ आर, इसमें भी है इसमें भी, देखो ओ आर इसमें भी इसमें भी है, ओ आर बराबर हो गया ओ आर, ये हो गया है आपके उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा आपके ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके, बराबर है, पी आर बराबर है क्यू आर, क्योंकि सवाल के अंदर दे रखा है दोनों प्रतिच्छेद रेखाओं से समद्विबाहु, ये क्वेश्चन में क्या है आपके दिया हुआ, दोनों रेखाओं से समद्विबाहु है, ये दूरी बराबर, तो यहाँ बनाया था ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ बनाया ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और एक ये वाला कोण, कोण नंबर तीन, ऐसा लिख दो यहाँ पर ही हटा दो, ये वाला कोण नंबर एक, ये कोण नंबर दो, कोण नंबर एक बराबर है कोण नंबर दो, क्योंकि दूरी है सीधी दूरी, दूरी हमेशा सीधी दूरी मानी जाती है, तो नहीं मानी सीधी दूरी बिल्कुल स्ट्रेट में, 90 डिग्री कोण क्या ले सकते हो, 90 डिग्री का कोण, तो नियम लग गया आपके एस ए एस द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज पी ओ आर सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू ओ आर के, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है संगत भाग क्या होंगे, बराबर, संगत भाग मतलब ये और ये बराबर होगा, तो कोण तीन बराबर क्या होगा, कोण चार क्या होगा, ये बाई सिंप्लिसिटी, अगर किसी त्रिभुज के तीन भाग बराबर तो बाकी तीन भाग बराबर होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं आपके, बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
अब ये हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेखा जैसे मान लो मैं एल लिख दूँ, एल रेखा क्या कर रही है, कोण AOC का आधा कर रही है। यहाँ लिखना है रेखा एल कोण AOC का समद्विभाजन कर रही है, समद्विभाजन करती है, सिंपल है। अब वो याद में